Hello, guys, this is zoologist AK, and I am here with the topic DNA replication in case of prokaryotes. And in this topic, I am going to include all these points. So, let's begin with the first point that is initiation of DNA replication. जो रेप्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे इनिशिएट होगा हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है जिसको हम ओर सी बोलते हैं और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वहाँ पे ये स्पेसिफिक होता है इसमें एक स्पेसिफिक सिक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको ओर सी बोलते हैं और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है थर्टीन पेयर रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं और नाइन पेयर रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं तो जो ईकोलाई का रेप्लीकेशन है वो फॉर्म होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए लोकलाइज रीजन ऑफ स्ट्रेंड सेपरेशन कार्ल रेप्लीकेशन बबल्स और वो रेप्लीकेशन बबल्स कहाँ से स्टार्ट होगा ये रेप ओराइस से स्टार्ट होगा और ये फॉर्म किया जाता है बाय इंट्रैक्शन ऑफ प्री प्राइमिंग प्रोटीन्स प्री प्राइमरी प्रोटीन्स का मतलब यहाँ पे है कि जो प्राइमर फॉर्म होता है ना आरएनए प्राइमर उस प्राइमर के फॉर्म होने से पहले यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स एक्ट करते हैं ओर सी पे जो कि ओरिजिन होता है प्रोकैरियोट्स का उनके थ्रू ये फॉर्म किया जाता है और इन दिस आई इंक्लूड ऑल दिस पॉइंट कि कैसे ये प्री uh, जो प्राइंग uh, प्रोटीन है ये कैसे इस रेप्लिकेशन बबल को फॉर्म करते हैं और इनिशिएट करते हैं रेप्लिकेशन इन केस ऑफ यू एट और आई ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है प्री प्राइमिंग में वो होता है बाइंडिंग वो फोर मोलिक्यूल्स फोर मोलिक्यूल्स किसके डी एन ए जीन के डी एन ए जीन के रोज डी एन ए जीन का प्रोडक्ट क्या होता है डी एन ए प्रोटीन होता है तो ये जो डी एन ए प्रो, प्रो, जीन का जो प्रोडक्ट है डी एन ए प्रोटीन वो बाइंड करता है फोर जो यहाँ पे नाइन बेस पेयर रिपेट है उनमें से फोर बेस पेयर पे वो बाइंड करता है ओराइस सी में और जो डीएनए ए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे लोकलाइजेशन के लिए लोकलाइज करता है किसको स्ट्रैंड सेपरेशन को एट द ओ आई मीन्स कहाँ से स्ट्रैंड सेपरेट होंगे वो कौन लोकलाइज करता है डी एन ए प्रोटीन ये जो बबल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो जो डबल स्टैंडर्ड मोलिक्यूल है वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो रहा है और टेम्पलेट जनरेट कर रहा है जो डीएनए ए प्रोटीन होता है यहाँ पे कोऑपरेटिवली बाइंड होता है और एक कोर फॉर्म कर देता है अबाउट ट्वेंटी टू फोर्टी पोलिपेप्टाइड लोंग विद ओर सी डी एन ए सी डी एन ए से जब वो बाइंड होता है और वाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के सर्फेस पे ये बाइंड हो जाता है जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है कि ये कोपरेटिवली यहाँ पे बाइंड हो रहा है मीन्स एक डी एन ए प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होगा तो वो दूसरों को भी बाइंड करेगा इसको कहते हैं कोपरेटिव मकैनिज्म और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है यहाँ पे रैपिंग करके किसकी सरफेस की जो कि ओराइस जो सी डी एन ए मोलिकुल है उसके सरफेस की तो जो यहाँ पे स्ट्रेंथ सेपरेशन है वो बिग इन होता है विद इन द थ्री टेंडम थर्टीन पेयर लॉन्ग रिपीट्स जो हैं इनमें हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है स्ट्रैंड सेपरेशन और ये होता है ओर आई सी में और ये स्प्रेड होता है जब तक हमारा रेप्लीकेशन बबल क्या नहीं हो जाता क्रिएट नहीं हो जाता जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा रेप्लीकेशन बबल जो फॉर्म नहीं हो जाता तब तक ये जो स्ट्रैंड सेपरेशन है ये कंटिन्यू रहता है एक कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे डीएनए बी का डीएनए बी प्रोटीन का जो कि हमारा क्या होता है हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है और ये एज ए डी एन एक्ट करता है ई कोलाई ई कोलाई के केस में और डी सी प्रोटीन जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है सिक्स मोलिक्यूल ज्वाइन करके फॉर्म किया गया है वो भी हेक्सामेरिक होता है और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या कर जाते हैं ये डीएनए बी और सी सी यहाँ पे शो किया गया बी यहाँ पे शो किया गया तो ये इनिशियशन बबल जब यहाँ पे ये थर्टीन बेस पे रिपीट में स्ट्रेंथ सेपरेशन हो रहा था तो वहाँ पर ये जाके बाइंड हो जाते हैं और बाई डायरेक्शनल रेप्लीकेशन करते हैं रेप्लीकेशन फोर का और यहाँ पर एक अनदर डीएनए टी डीएनए टी प्रोटीन वो भी प्रेजेंट होता है प्री प्राइमिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में बट इसका जो फंक्शन है वो अभी तक अननोन है और अदर्स जो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे वो होते हैं हमारे डीएनए जे प्रोटीन डीएनए के प्रोटीन प्राई ए और प्राई बी एंड प्राई सी प्रोटीन ये क्या होते हैं प्राइमोज़ोम प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएट करने के लिए आर प्राइमर ऑन सिंगल स्टैंडर्ड डी ड्यूरिंग आर सॉरी ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन और यहाँ पे अदर प्रोटीन्स कौन से हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एच यू डी एन गाइरेज जो कि हमारा यहाँ पे टोपो आई सेकेंड होता है ई कोलाई के केस में और सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो स्टेबलाइज करते हैं इन सिंगल स्ट्रैंड्स को तो ये प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है कि प्री प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है प्राइमर की सिंथेसिस होने से पहले नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इनिशिएशन ऑफ डी एन ए चेन विद आर एन ए प्राइमर अभी हमने बात की प्री प्राइमरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की अब हम बात करते हैं कि कैसे चेन इलोंगेशन स्टार्ट होता है विद आर एन ए प्राइमर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो क्या होता है मेन सिंथेसाइज़िंग एंजाइम होता है जो न्यू स्ट्रैंड को नेसेंट डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज़ करता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे प्रोकैरियोट्स के केस में यहाँ पे हम हीकोला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस एंड पे डीएनए स्ट्रैंड के जो उसको एक्सटेंड करना है वो एक्सटेंड कैसे करेगा डीएनटीपीज़ को ऐड करके और वो डीएनटीपीज़ को कैसे ऐड करेगा जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक न्यूक्लियोफ़िल की तरह अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा पाए अल्फा फोस्फेट पे अल्फा फोसफेट जो कि तीन फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे डी एन टी पीज पे डी एन टी पी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफोसफेट इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर भी होगा डी ऑक्सी मतलब डी ऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होगी और थ्री फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगी अल्फा बीटा एंड गामा तो जो अल्फा फोस्फेट होगी उस पर यह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और फोस्फो बॉन्ड फॉर्म कर देगा क्या फॉर्म कर देगा फोसफो डाइएस्टर बोंड और इस तरह ये इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अब ये तो होगी बाइंडिंग की बात पर ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे को कौन सा बेस पेयर ऐड करना है कि ऐड करना है ग्वानी इनसाइडोसिन या थायमिन ऐड करना है वो कैसे करेगा कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के थ्रू तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी दो रिक्वायरमेंट है एक तो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिसको उसको एक्सटेंड करना है और वो कब प्रेजेंट होगा जब यहाँ पे आयर प्राइमर फॉर्म हो प्रेजेंट होगा और दूसरा उसको क्या चाहिए डी एन तो यहाँ पे एक स्पेशल मैकेजम एक्ट एग्जिस्ट करता है टू इनिशिएट और प्राइम द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू चेन वंस ए रेप्लीकेशन बबल हैज फॉर्म्ड और ये क्या होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर तो यहाँ पे जब आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस है वो कौन करता है डीएनए प्राइमेस और जब डीएनए प्राइमेस आरएनए प्राइम की सिंथेसिस कर देता है तो क्या बन जाता है यहाँ पे आरएनए डीएनए डी हाइब्रिड बन जाता है जहाँ पे नेशेंट आरएनए हाइड्रोजन बोंड फॉर्म कर लेता है डीएनए एन टेम्पलेट के साथ और यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस है वो किसके थ्रू की गई है डीएनए प्राइमेस के थ्रू किसका प्रोडक्ट है डीएनए जी, जी जीन का इन केस ऑफ यू कैर सॉरी प्रो कैरियोड्स प्रो कैरियोड्स के केस में जो आरएनए प्राइमर होता है वो क्या होता है लॉन्ग होता है अबाउट टेन टू सिक्सटी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होता है पर यू कैरियोड्स के केस में वो स्मॉल होता है अबाउट टेन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर तो यहाँ पे आरएनए एन ए प्रोवाइड कर रहा है फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो जिसकी रिक्वायरमेंट किसके लिए है कोवलेंट एक्सटेंशन के लिए और वो कोवलेंट एक्सटेंशन किसका हो रहा है पोली न्यूक्लियोटाइड चेन का जो कि नेसेंट डीएनए की चेन होगी जो न्यू डीएनए एन होगा वहाँ पे उसकी जो चेन होगी और जो ई कोलाई एंजाइम है यहाँ पे डी एन थर्ड वो कैटालाइज करेगा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन क्रोमोजोम का किसका ई कोलाई के क्रोमोसोम का और इस एड करेगा डी टू दिस आर प्राइमर और ये जो आरएनए प्राइमर है ये एक्साइज किए जाएंगे और रिप्लेस किए जाएंगे विद डीएनए चेन और ये किसके थ्रू किए जाएंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऑफ ईको लाई डेट इज आवर प्रोकैरियोट्स इसकी जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है इसकी क्या होती है दो एक्टिविटी होती हैं एक तो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और एक थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम पिक्चर हेयर शोर्ड किसके थ्रू की जाती है डी एन ए पोलिम्रेज थर्ड के थ्रू जैसे कि हम देख रहे हैं ये क्या है हमारा आर एन ए प्राइमर है कैसे पता चला ये आर एन ए प्राइमर है क्योंकि इसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वाली डायरेक्शन में रन कर रहा है क्योंकि हमारा डी एन ए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में सिंथिसाइज होता है बाई एक्सटेंडिंग थ्री प्राइम एंड और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारी शुगर प्रेजेंट है नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट है तो ये क्या है हमारी इनकमिंग डी टी पी जो एज ए प्रीकर्सर काम कर रही है और इसमें जो ये अल्फ़ा फोस्फेट है इस पर ये जो हमारा हाइड्रोक्स फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है आर एन ए प्राइमर पर वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इसके साथ फोस्फोडाइस्टर बोन्ड फॉर्म कर देगा और इस तरह ये डी एन टी पी इसको कर देगा जैसे कि मैंने बात की कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है विद डीएनए चेन बाय यूजिंग ओकाजा के फ्रेगमेंट विद इट्स फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए प्राइमर तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है जो आरएनए प्राइमर यहाँ पे थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री विद थ्री थ्री हाइड्रो प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है उसको रिप्लेस किया जा रहा है डीएनए चेन के थ्रू सेम यहां पे भी थ्री प्राइम एंड पे वो आरएनए प्राइमर को हटा के क्या कर रहा है डीएनए चेन को ऐड कर रहा है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज ए फर्स्ट होता है उसकी तीन एक्टिविटी हो, होती है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम पोलम एक्टिविटी और फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्सोनुक्लियस एक्टिविटी और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्जोनुक्लियस एक्टिविटी एंड एक्जोनुक्लियस एक्टिविटी जो है डीएनए एन ए फर्स्ट की वो बोर्ड डायरेक्शन में होती है क्योंकि जो डीएनए एन है हमारा वो नेचर का होता है एक वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम में डायरेक्शन

किस पे फ़ाइव प्राइम एंड पे जैसे कि यहाँ शो करा का कोई भी इनकरेक्ट बेस पे, पे प्रेजेंट हो या भाई अनपेयर्ड बेस पे प्रेजेंट हो तो वो फ़ाइव प्राइम एंड पे ही कट करेगा और वहीं पे उसको रिप्लेस करेगा और यहाँ पे रिप्लेस कैसे करेगा पोलिमरेज एक्टिविटी के थ्रू और यहाँ पे जो ये क्लीवेज uh, है ये एंड पे ही होगा चेन के इसलिए यहाँ पे एक्सो न्यूक्स एक्टिविटी बोला गया है और जब थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम होगी तो कोई इनकरेक्ट बेस पेयर प्रेजेंट होगा या अनपेयर बेस पेयर प्रेजेंट होगा तो वो थ्री प्राइम एंड पे ही कट करेगा यहाँ पे नहीं शो किया गया बस वो यहाँ पे शो किया गया क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट बेस पेयर प्रेजेंट है तो इसकी जो एक्जोनुलेज एक्टिविटी है उससे ये रोंग बेस पेयर को एंड से कट करेगा आई दर इन फाइव प्राइम और इन थ्री प्राइम एंड बट ये जो न्यू uh, बेस को कैसे ऐड करेगा पोलम एक्टिविटी के थ्रू ये फुल मैकेनिज्म शो किया गया है इनिशिएशन प्रोसेस का कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो इनिशिएट करता है चेन इलोंगेशन एट द रेप्लिकेशन फोर्क तो यहाँ पे सिंथेसिस एंड रिप्लेसमेंट शो की गई है आर एन ए प्राइमर की ड्यू रेप्लीकेशन ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए जैसे कि हम यहाँ पे शो देख रहे हैं कि हमारी जो ये इनिशिएशन साइट है इनिशिएशन साइट है अनवाइंड कर लिया गया है प्री रेप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंड डी एन ए का और वो किसके थ्रू हुआ है, है हैलीकेज के थ्रू डीएनए बी जो यहाँ पे हेलीकेस की कर रहा है उसके बाद इनिशिएशन होगी आरएनए प्राइमर सिंथेसिस की आर एन ए प्राइमर सिंथेसिस यहाँ पे डी एन ए प्राइमरीज के थ्रू सिंथेसाइज किया जाएगा फिर जब आर एन ए प्राइमर यहाँ पे जो ग्रीनिश कलर में शो किया गया है वो सिंथेसाइज होने के बाद जो थ्री प्राइम एंड है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एक्सटेंशन होगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वाली डायरेक्शन में न्यू डी एन स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज कर दिया जाएगा डी एन ए पोलीम्रेस थर्ड के थ्रू बाई एडिशन ऑफ डी एंड टी पीस और जब वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा तो यहाँ पर आर एन ए प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा तो आर एन ए प्राइमर कैसे रिमूव किया जाएगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्सोनुक्लियस एक्टिविटी के थ्रू और थ्री प्राइम फा, टू फाइव प्राइम तो एक्सोनुक्लियस एक्टिविटी के थ्रू पर यहां पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है तो थ्री एक्टिविटी क्यों क्योंकि जो हमेशा आर होता है वो फिक्स्ड डायरेक्शन में रन करता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और उसका जो कोडिंग होती है वो भी वो इसी पोलरिटी होती है जो आर एन ए की वो फिक्सड होती है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वाली डायरेक्शन में तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा डी एन ए फर्स्ट क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी होती है एक्सरसाइज करने की एंड्स को फाइव प्राइम एंड से और थ्री प्राइम एंड से तो यहाँ पर हमें एक्सीजन जो करना है वो क्या डायरेक्शन में करना है किस पोलरिटी में करना है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम में क्योंकि जो ये है पोलरिटी, ये फिक्स होती है डी एन ए सॉरी एम आर जो हमारा यहाँ पे आर एन ए प्राइमर होता है उसके लिए फिर जब ये आर एन ए प्राइमर रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट होंगे वो लाइगे के थ्रू फिल कर दिए जाएंगे

टर्न क्योंकि अगर हम उसको अन ट्विस्ट नहीं करेंगे कोई भी चीन है मान लो यहाँ पे एक रस्सी है हम उसको ऐसे ट्विस्ट कर देंगे और उसको वाइंड कर देंगे दो स्ट्रैंड्स में और हेलिकल स्ट्रैंड की तरह जैसे कि डीएनए का होता है तो उसको हम हेलिकल टर्न को कैसे ओपन करेंगे उस रस्सी रस्सी के और रोप के उसको टर्न बाय टर्न अनवाइंड करके तो यहाँ पे ये यह हेलीकेस भी सेम ऐसा ही मैकेनिज़्म करता है जिसके थ्रू वो टर्न बाय टर्न क्या करता है इस हेलिकल स्ट्रैंड को ओपन कर देता है और अनवाइंड कर देता है तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है अनवाइंड करना मक और अनवाइंडिंग मैकेनिज्म क्योंकि जब तक अनवाइंड नहीं होगा तो ये जो टेम्पलेट स्टैंड है ये सिंथिसाइज नहीं होंगे और ये क्या नहीं करेंगे किसी को कोडिंग नहीं करेंगे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू कोडिंग नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज़ करने के लिए तो यहाँ पे जो जो गायर है क्या बोलते हैं हम इसको टर्न को गायर और टर्न जो है गाय और टर्न इज अबाउट टेन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लोंग अबाउट टेन पॉइंट फाइव होते हैं पर हम मान के क्या चलते हैं टेन बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट होते हैं और इसलिए जो डीएनए एन है वो रोटेट करना पड़ता है वन डिग्री वंस फॉर ईच टेन रेप्लीकेटेड बेसपेयर दस रेप्लीकेटेड बेसपेयर के लिए उसको डी एन ए को कितना रोटेट करना पड़ता है थ्री सिक्सटी डिग्री से और यहाँ पे जो ईकोलाई डी एन ए है वो रेप्लीकेट करता है एट ए रेट ऑफ अबाउट थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड के रेट से वो क्या करता है रेप्लीकेट करता है मतलब कि वो एक मिनट में थर्टी थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड पेयर सिंथेसाइज करता है कौन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड किस में इकोलाई e. के केस में इकोलाई के अपना प्रोकैरियोट्स तो प्रोकैरियोट्स का जो रेट हुआ रेप्लीकेशन का और न्यू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने का वो कितना है बाय एडिशन ऑफ थ्री थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पर मिनट तो ये जो है रेप्लिकेशन इसकी वजह से जो रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल है उसको स्पिनिंग करना पड़ता है कितनी कितनी रेट से थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड रिवोल्यूशन पर मिनट से थ्री थाउजेंड आर पी एम से और रिवोल्यूशन पर मिनट के रेट से उसको स्पिन करना पड़ता है टू फैसिलिएट द अनवाइंडिंग ऑफ पेरेंटल डी एन ए और दिस अनवाइंडिंग प्रोसेस रिक्वायर एंजाइम कॉल डी एन जो यहाँ पर क्या होता है जो हमारा डी एन ए बी होता है और ये किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है डी एन ए हेलीकेज डी एन ए बी जीन के थ्रू जो प्रेजेंट होता है e. के क्रोमोसोम में और जो डीएनए बी जीन है जिसका प्रोडक्ट है डीएनए बी प्रोटीन वो उसकी जो फंक्शन है ये अनवाइंडिंग फंक्शन इसके लिए किसकी जरूरत होती है ए की तो वो कैसे फंक्शन करता है ए हाइड्रोलाइसिस करके ए को एडीए में कन्वर्ट करके और एक बार जब ये डी एन ए स्ट्रेंड अनबाउंड हो जाते हैं डी एन ए के थ्रू तो उनको एक्सटेंडेड फॉर्म में स्टेबल रखने के लिए और टेम्पलेट फॉर्म में स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे किसकी जरूरत होती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की और कहें तो एस एस बी प्रोटीन की जरूरत होती है टू कीप द अनबाउंड स्टेंड इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म फॉर रेप्लिकेशन तो यहाँ पर जो एस एस बी होता है उसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ वो कॉपरेटिव बाइंडिंग करता है कॉपरेटिव बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि भाई एक अगर यहाँ पर एस एस बी प्रोटीन बाउंड हो गया तो वो दूसरे जो एस एस बी प्रोटीन है उनको भी अट्रैक्ट करेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे बाइंड करने के लिए और जब एक स्ट्रैंड पूरी तरह कवर कर दिया जाएगा एस एस बी प्रोटीन के थ्रू तभी दूसरे स्ट्रैंड पे बाइंडिंग होगी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तो ये स्टूमुलेट करता है बाइंडिंग ऑफ एडिशनल मोनोमर्स एट कॉन्टिग्यूस साइड ऑन द डीएनए चेन बाय कोऑपरेटिव बाइंडिंग विदाउट एस एस बी और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कोटिंग जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो रीनेचर नहीं हो सकते और सॉरी वो जो कंप्लीमेंटरी स्टैंड है वो क्या कर जाएंगे रीनेचर कर जाएंगे अगर यहां पे एस एस बी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है और क्या फॉर्म कर देंगे इत, इंट्रास्ट्रेंड हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमारा किस में क्रिएट होता है आर एन ए में सेम स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे डीएनए जो स्ट्रैंड है वो बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन शॉर्ट सेगमेंट ऑफ कंप्लीमेंट्री और पार्शियली कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर है ये क्या कर देंगे डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी जो कि क्या करता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करता है ऐड करता है डीएनटीपीस को इसकी एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी तो इन ई कोलाई के केस में जो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है और जो एसएसपी प्रोटीन है वो इनकोड किए जाते हैं एसएसबी जीन के थ्रू जो प्रेजेंट होता है ईकोलाई e. के क्रोमोजोम में और जीनोम में तो फिर क्या होता है जैसे कि हमें पता है ई e. कोलाई जो कंटेन करता, करता है वो क्या कंटेन करता है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और जब ई e. कोलाई है उसको जो डीएनए है उसको सिंगल स्टैंड में लेगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड में कन्वर्ट होने के लिए क्या रोटेट करना पड़ता है अबाउट थ्री थाउजेंड आर पी एम से रिवोल्यूशन पर मिनट से उसको क्या करना पड़ता है स्पिनिंग करनी पड़ती है और अनवाइंड करना पड़ता है पेरेंटल स्टैंड एप्लीकेशन के टाइम पर तो यहाँ पर डी है वो क्या फॉर्म करने की कोशिश करता है पॉजिटिव सुपरकोयल पॉजिटिव सुपरकोइल क्या होता है राइट हैंडेड सुपर कोयल और ये कैसे फॉर्म होते हैं जब

रोटेशन की जरूरत पड़ेगी वो कौन करेगा यहां पे टोपो द रिक्वायर एक्सेस ऑफ रोटेशन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रोवाइडेड बाय एंजाइम एंजाइमकाल डीएनए टोपो आइसोमरेज ये क्या रिमूव करते हैं सुपर हेलिसिटी तो यहाँ पे ये कैटालाइज़ करता है क्या कैटेलाइज करता है ट्रांसियंट ब्रेक मतलब कि एक जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि अभी तक अनरेप्लीकेटेड है उसमें एक स्ट्रैंड में क्या कर देता है ब्रेक क्रिएट कर देता है डी एन मोल्टी में बट यूज कोवलेंट लिंकेज टू डैम सेल टू होल्ड ऑन द क्लेव्ड मोलिक्यूल एंड पास वन डी एन ए स्टैंड टू अनदर एंड रिलैक्स द डबल हेलिसिटी ऑफ द डी एन ए मोलिक्यूल आइसोमरेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं क्या होते हैं टू टाइप्स के टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपो आइसोमरेज सेकेंड सेकेंड को हम ही के केस में क्या बोलते हैं गायरेज जो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट होता है वो टेम्प्रेरी सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक बनाता है और निक बनाता है डीएनए में और जो टोपो आइसोमरेज सेकेंड होता है वो ट्रांसियंट डबल स्ट्रैंड ब्रेक बनाता है तो टोपो आइसोमरेज क्या बनाता है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक पर टोपो आइसोमरेज से क्या बनाता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक डी एन ए स्ट्रैंड में और जो इनमें मेन डिफ्रेंस होता है टोपो आइसो फर्स्ट और सेकेंड में वो क्या होता है कि ये प्रोड्यूस कर रहा है सॉरी ये होता है कि टोपाइसोम्रेज फर्स्ट जो है वो रिमूव कर रहा है सुपर कोयल फ्रॉम डीएनए वन एट ए टाइम पर जो ये क्या कर रहा है वन सुपर हेलिसिटी इन वन जो है सुपर uh, कोयल को ये और वन टर्न को क्या कर रहा है ये रिमूव कर रहा है एक टाइम पे पर जो टोपाइसोम्रेज सेकेंड वो क्या करता है रिमूव एंड इंट्रोड्यूस सुपर कोयल टू एट ए टाइम मींस प्लस टू टू माइनस टू और ये प्लस वन टू Minus one. So let's understand the mechanism of action of topoisomerase first. As you can see here. कम ऑन द टोपो आइसोमरेज सेकंड जो टोपो आइसोमरेज सेकिंड होता है वो इंड्यूस करता है ट्रांसियंट ब्रेक इन डबल स्ट्रैंडेड जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करता है वो और जो टोपो टोपाइसोमरेज फर्स्ट था वो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करता है जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव सुपर कोयल क्योंकि ये जो डी एन ए है डबल जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डी एन ए का वो दूसरे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पर रीडिंग कर रहा है राइट हैंडेड कन्फर्मेशन के थ्रू इसलिए हम इसको क्या कहेंगे पॉजिटिव सुपर कोलिंग तो ये जो पॉजिटिव सुपर सुपरकोलिंग हो रही है इसको आ, इसको रिमूव करेगा डी एन ए टोपो आइसोमरेज सेकेंड जिसको हम गाइरेज भी बोलते हैं ई कोलाई और के केस में तो यहाँ पे ये जो टोपो आइसोमरेज सेकेंड होता है ये क्या करता है नेगेटिव सुपर सुपरकोलिंग को ऐड करता है और रिमूव करता है पॉजिटिव सुपर कोलिंग को और रिमूव करेगा पॉजिटिव सुपर सुपरकोलिंग को टू एट ए टाइम बाय एन एनर्जी एनर्जी कैसे यूज़ करेगा ए टीपी हाइडोलोसिस के थ्रू ए टीपी से ये क्या करेगा ए डी पी कन्वर्ट करेगा और उससे उससे ये पी से एनर्जी यूज करेगा तो ये कैसे करता है ये कैरी आउट करता है इस प्रोसेस को कट करके दोनों स्टैंड को जैसे कि यहाँ पे शो किया गया दो स्टैंड को कट कर देता है और ये जो को ये पास करता है एक इंटैक्ट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को इस कट के थ्रू और रीसील कर देता है ब्रेक को इन एडिशन टू रिलैक्सिंग सुपर कोल डी एन एट आल्सो इंट्रोड्यूस ए नेगेटिव सुपर कि ये रिलैक्स भी करता है और नेगेटिव सुपर कोल भी तो यहाँ पे दो से ये दो टर्न से और दो सुपर हेलीसिक को रिमूव करता है तो प्लस टू से माइनस टू क्रिएट कर देता है ये और यहां पे और इंटरलॉक कर देता है सर्कुलर, सर्कुलर मोलिक्यूल को ऑफ डीएन के के से टेट्रामर होता, 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 होता है इसकी दो अल्फा सब यूनिट होती है और दो बीटा सब यूनिट होते हैं तो जो ये जीन होता है गायरेज सॉरी जो गायरेज होता है हमारा और ये एंजाइम ऑटोपा सेकेंड होता है और ए जिन जो क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है हीकोलाइके e. और जिनों में प्रेजेंट होता है उसके थ्रू इनकोड किया जाता है और जो हमारी यहाँ पे सब यूनिट होती है उसको बोला जाता है नाल्डिक्सिक एसिड नाल्डिक्सिक एसिड क्योंकि ये जो नालडिक्सिक है ये क्या करती है ये एक एंटीबायोटिक होती है ब्लॉक करती है डीएनए रेप्लिकेशन का बाय इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ सब यूनिट और जो बीटा यूनिट प्रेजेंट होती है गायरेज में वो उसकी जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट करी जाती है कोमर माइसिन के थ्रू को -मा -मा कोमर माइसिन कोमर माइसिन के थ्रू ये इनहिबिट करती है एक्टिविटी बीटा यूनिट की तो ये जो नालडिसिक एसिड होता है नॉलडिकसिक एसिड और होता है को मरमाइसिन ये दोनों ही क्या है हमारी एंटीबायोटिक्स हैं ये ब्लॉक करती है डी एन ए रेप्लीकेशन इन कोलाई बाय इनहबिट द एक्टिविटी ऑफ डी एन ए गायरेस और एक ये बाउंड हो जाती है अल्फा सब यूनिट पर बाउंड हो जाती है बीटा सब यूनिट पर तो ये इस तरह इनहबिट करती है गायरेस की एक्टिविटी को नेगेटिव सुपर सुपरकोल जो होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम में वो इंट्रोड्यूस किसके थ्रू किए जाते हैं हमारे जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है नेगेटिव सुपर सुपरकोल का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन कंफर्मेशन में हमारा जो एक डबल हेलिकल स्टैंड है वो दूसरे डबल हेलिकल स्टैंड पर रीदिंग कर रहा है तो ये नेगेटिव सुपर जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम किसके थ्रू किए जाते हैं डीएनए एन के थ्रू और वो एनर्जी किससे यूज करता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस से तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है नेगेटिव सुपर ऐड करना टू अनवाइंडिंग प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव सुपरकोइल आई ऑफ रेप्लीकेशन फोर्क बाय अनवाइंडिंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ रिलेक्स यानी रेप्लीकेशन में प्रोड्यूस relaxed dna ahead of fork by unwinding negatively super coiled dna because super helical tension is reduced during unwinding that is स्ट्रेंथ सेपरेशन जो होता है वो एनर्जेली एनर्जेटिकली फेवर्ड होता है एंड द नेगेटिव सुपरकोलिंग जो होती है फोर के बिहाइंड में वो ड्राइव करती है अनवाइंडिंग प्रोसेस इफ सो दिस मैकेनिज्म नाइसली एक्सप्लेन व्हाई डीएनए एन गाइरेज जो है वो रिक्वायर होता है डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए इन केस ऑफ बैक्टीरिया नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट डेट इज मल्टीपल डी एन ए पोलिमरेज रिक्वायर फॉर पोलिमरेज एंड प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म तो जैसे कि हमें पता है जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो क्या होते हैं प्रोसेसिव एंजाइम प्रोसेसिव एंजाइम होते हैं और वो कैटालाइज करते हैं कोवलेंट एक्सटेंशन किसका थ्री प्राइम एंड का और थ्री प्राइम एंड पे क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका एक्सटेंशन करता है ग्रोइंग पोलीपेपलेट चेन का और रिक्वायरमेंट क्या होती है डी एन के लिए एक तो होती है प्राइमर और दूसरा होता है टेम्पलेट तो यहाँ पे टेम्पलेट एंड प्राइमर रिक्वायरमेंट होती है किसकी डीएनए पॉलीमरेज की चाहे वो कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो तो यहाँ पे जो डी जो यहाँ पे शो किया गया है ये हमारा प्राइमर शो किया गया है ये हमारा टेम्पलेट शो किया गया है तो यहाँ पे जो प्राइमर होता है डीएनए का वो प्रोवाइड करता है टर्मिनेस्ट फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसपे हमारा न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डी एन टी पीस जो हैं वो एड करी जाएंगी डी एन ए सिंथेसिस के थ्रू और वो कैटेलाइज करते हैं फॉर्मेशन एक फोर्सफुल डाइस्टर की थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में एट द एंड ऑफ प्राइमर डीएनए चेन एंड फाइव प्राइम फोस्फेट ग्रुप के बीच में जो हमारे इनकमिंग डी के बीच में होती है में प्रेजेंट होती है या फिर प्रीकर्सर जो हमारा डी एन होता है उसके उसमें प्रेजेंट होती है और सेकंड है हमारा यहाँ पर रिक्वायरमेंट वो है टेम्पलेट डीएनए ये प्रोवाइड करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो स्पेसिफाई करते हैं कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ग्रोइंग डीएनए चेन का और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रिक्वायर करता है एक डी एन जिसके जो बेस सिक्वेंस है वो डिक्टेट करेंगे बाय इट्स बेस पेयर पोटेंशियल क्या डिक्टेट करेंगे सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स बेस सिक्वेंस इन द स्ट्रैंड ट्रेंड बींग सेंथेसाइज तो यहाँ पर जो रिएक्शन कैटेलाइज की जाती है डी पॉलीमरेज के लिए थ्रू वो कैसे की जाती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फोस्फेट पे प्राइमर स्ट्रैंड पे जो प्रेजेंट होती है आइडोक्सिल ग्रुप वो एज ए न्यूक्लियोफिलिकटैक यहाँ पे काम करती है और वो अल्फ़ा फोस्फेट जो कि इंटीरियर में प्रेजेंट होती है फोसफोर्स एटम के जो कि हमारा प्रीकर्सर होता है डीएनटीपीस उसमें और ये एलिमिनेट कर देती है पायरोफोसफेट को जो यूज़ की जाती है पायरोफोस्फेट का फर्दर जो ब्रेकडाउन है वो इस फोसफोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है जो एनर्जी रिलीज होती है पायरोफोस्फेट को मोनोफोस्फेट में कन्वर्ट करने से वो एनर्जी यूज कर ली जाती है यहाँ पे इस फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जो कि इनकमिंग डी के बीच में फॉर्म होता है जैसे तो कि मैंने यहाँ पे बात की कि भाई डी एन ए पो जो है मल्टीपल डी एन ए पोलिम्रेज प्रेजेंट होते हैं आ, यू कैरियोड्स केस के, सॉरी प्रो कैर के केस के में और केस के में तो यहाँ पे फाइव डी एन ए पोलिमरेज प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ और जो फर्स्ट और सेकंड ओवर रिपेयर एंजाम होते हैं और फर्स्ट और सेकंड की को छोड़कर जो डी एन ए पोलिम्रेस थर्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स एंजाम है और उसकी डिफरेंट सब यूनिट प्रेजेंट होती है अबाउट टेन सब यूनिट प्रेजेंट होती है डी एन ए पोलिम्रेस थर्ड में और ये मेन है जो एप्लीकेशन के टाइम पर रिएक्शन करता है और न्यू इनकमिंग प्रीकर्सर डीएनटीपीस को ये ऐड करता है बाय बायर बोन फॉर्मेशन तो जो अनलाइक uh, जो सॉरी लाइक डीएनए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पॉलीमरेज की फर्स्ट की तरह ही डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है उसकी प्राइम टू प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम मैग्नुक्लियस एक्टिविटी होती है पर उसकी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम मैगजोनुक्लियस एक्टिविटी बहुत कम होती है होती है तो बस वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ही होती है जो मोस्ट रिसेंटली करेक्टराइज डीएनए पॉलीमरेज है वो है हमारे फोर्थ एंड फिफ्थ मोस्टली हम प्लांट्स में स्टडी करते हैं बट इन प्रोपर रोड्स ऑल्सो अलॉन्ग विद पोलिम्रेज सेकेंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेप्लीकेशन ऑफ डैमेज डी एन ए और ये प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म करते हैं और कहीं तो रिपेयरिंग का काम करते हैं विद द पोलिमरेज इन्वॉल्व डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डैमेज की क्या डैमेज हो रहा है कि भी अल्ट्रावाइलेट रेज के थ्रू हो रहा है क्या डैमेज हो रहा है या फिर किसी एंटीबायोटिक बायोटिक के थ्रू हो रहा है तो उस डैमेज पर डिपेंड करके ये डी एन ए पोलीमरेज फर्स्ट सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ एक्ट करते हैं क्योंकि ये में रेप्लिकेटिंग होता है। और फॉर्म में जब कोर एनजैम सिग्मा केस में और बिटा सबसे प्रो कैरियो केस में तो उसको होलो एंजाइम बोलते हैं तो यहाँ पर बीटाट जब बाइंड हो जाती है तो वो होलो एनजे फॉर्म हो जाता है तो जो होलोन जैम फॉर्म होती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की वो अबाउट नाइन लॉक डाल्टन के अप्रोक्स उसका मोलिकुलर वेट होता है और जो मिनिमम कोर जो फॉर्म किया जाता है जिस जो कैटालिटिक सब यूनिट फॉर्म करता उसमें है उसमें थ्री सब यूनिट होती हैं अल्फा जो डीएनए ई जीन का प्रोडक्ट होती है और एप्सिलोन जो कि डीएनए क्यू जीन का प्रोडक्ट होती है थीटा जो कि होल ई जीन का प्रोडक्ट होती है और जब इसमें टोर्क सब यूनिट एडिशन हो जाता है डी एन एक्स प्रोडक्ट का तो ये डायमराजाइजेशन कर देती है कैटालिटिक कोर की और इसकी एनर्जी को uh, जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देती है इंक्रीज़ कर देती है और यहाँ पर जो जब हमारी बीटा सब यूनिट यहाँ पे बाइंड हो जाती है कैटालिटिक कोर यहाँ पे शो किया गया है पर जब यहाँ पे टू आ, बीटा जो आ, सब यूनिट हैं वो बाइंड हो जाती है तो ये क्या कर देती हैं एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती हैं किसकी डीएनए एन ए थर्ड की क्योंकि जो uh, जो कैटालिटिक कोर है जो सिंथेसाइज किया जाता है वो सिंथेसाइज करता है शॉर्ट डीएनए एन स्ट्रेंड को क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है डी एन uh, जो थर्ड होता है जब वो कोर फॉर्म में होता है तो वो ईजली क्या कर जाता है फोलो ऑफ कर जाता है डी एन से तो अगर हमें लॉन्ग डी एन को सिंथेसाइज करना है जो कि क्रोमोजोम में प्रेजेंट है तो उसको फ्रीक्वेंटली डिसोशिएट uh, नहीं होना पड़ेगा पॉलीमरेज़ को टेम्पलेट से और वो जो डिसोसिएशन है फ्री बार बार डिसोसिएशन हो रही है जो पॉलीमरेज़ की टेम्पलेट से उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा तो ये एलिमिनेशन जो किया जाता है जाता है बीटा सब्यूनिट से जो बीटा सब्यूनिट होती है जो कि यहाँ पे शो की गई है वो प्रोडक्ट होती है डीएनए एन जो जीन होता है उसका प्रोडक्ट होती है और ये डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है उसके साथ एक डाइमर क्लैम्प फॉर्म करती है जो डीएनए पॉलीमरेज को फॉल ऑफ नहीं होने देता जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ पे ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है क्लैंप फॉर्म हो रहा है और ये टू बीटा सब यूनिट मोनोमर यूनिट जब बाइंड होकर डाइमर फॉर्म कर रही है और वो बाइंड कर रहा है कोर कैटालिटिक जो सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज की जो यहाँ पर इन सब के बाइंड होने से फॉर्म होती है उससे जब वो बाइंड कर जाता है तो वो ईजिली जो डी एन ए पोलिम्रेज थर्ड है वो इस टेम्पलेट स्टैंड से जो कि यहाँ पर ब्लूइश कलर में शो किया

is the uh, structure that is shown here this uh, structure is of complex uh, dna polymerase that is our replicase dna polymerase third होलो एंजाइम जो स्ट्रक्चर शो किया गया है यहाँ पे डेल्टा सब यूनिट बाइंड है गामा सब यूनिट बाइंड है और यहाँ पे अल्फा सब यूनिट बाइंड है एप्पिलोन थीटा टोर् के ये सब यूनिट बाइंड होती है तो कैटालिटिक सब यूनिट फॉर्म होती है पर जब इससे बीटा डाइमर बाइंड हो जाता है तो ये यह यहाँ पे होलो एंजाइम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और तो होलो एंजाइम जो है वही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट कर पाता है अदरवाइज़ जो ये कैटालिटिक सब यूनिट है बार बार क्या करेगी रिमूव हो जाएगी टेम्पलेट से तो यहाँ पे हमारा जो बीटा का एक, आ, है इसका एक असेंशियल रोल है टू स्लाइड दिस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अलोंग द टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड उन्सेंट्रेंड ऑफ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस बात आती है फिडेलिटी की ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ए पोलिम्रेज एंड इनकोलाइ क्या है डीएनए डुप्लीकेशन की वो हाई होती है हाई कैसे कि भाई फिडिलिटी का मतलब है कि एरर कम क्रिएट करता है रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू किया जाता है तो ये कम एरर कैसे क्रिएट करता है एक एरर प्रेजेंट होता है इन एवरी बिलियंस ऑफ बेस पेयर जब फॉर्म होते हैं तो उसमें एक एरर होगा या भाई यहाँ पे जो टेन थाउजेंड बेस पेयर या वन लाख जो बेस पेयर होंगे उसके बाद एक जो एरर क्रिएट होगा तो जो थर्मोडाइन चेंज होते हैं न्यूक्लियोटाइड में जब ये डीएनए सिंथेसाइज होता उस तो है उस टाइम पे तो ये लोग करते हैं फॉर्मेशन किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की इन बिटवीन बेस पेयर अदर देन अदर देन कौन से ए टी बेस पेयर है या फिर जी सी बेस पेयर इनसे अलावा अदर बेस पेयर में क्या कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से एर जो रेट होता है वो रेप्लिकेशन के टाइम पे टेंड एस टू पार फाइव टू माइनस फाइव टू टेंड एस टू पार माइनस फोर होता है और ये एरर हो सकता है वन इन टेन थाउजेंड टू वन इन वन लैख इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड तो ये प्रोडक्ट करता है कि जो एरर रेट है टेन थाउजेंड टाइम्स ये ऑब्जर्व किया गया है एरर रेट जो ये क्वेश्चन रेज करता है कि कैसे इतनी हाई फिडिलिटी होती है डीएनए रेप्लिकेशन की और ये कैसे अचीव की जाती है नेशंट डीएनए चेन में तो ये जो एक्टिविटी ये जो फडिलिटी है ये अचीव की जाती है डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है कि ये एक्जोन उक्लेस एक्टिविटी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है जो क्या करता है थ्री जो हमारा थ्री प्राइम एंड है उस पर कट कर देता है अगर कोई भी रोंग बेस पेयर और मिसमैच्ड बेस पेयर पे प्रेजेंट होगा तो वो थ्री प्राइम एंड पे कट कर देगा और उसको रिमूव कर देगा और दोबारा से रिसाइल कर देगा पोलमरेज एक्टिविटी के थ्रू जैसे कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्टिविटी शो की गई तो पोलिमरेज एक्टिविटी के थ्रू वो नया पेयर यहाँ पे ऐड कर देगा तो ये जो एक्जोनुक्लियस एक्टिविटी है ये इंक्रीज करती है फिडिलिटी किसकी डीएनए पॉलीमरेज सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस की इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो एक्ट करता है या तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक्ट करता है या फिर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो थर्ड एक्ट करता है जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो मोनोमर होता है और उसकी एक्जोनुक्लियस एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम वाले डायरेक्शन पर पर जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो मल्टीमेरिक एंजाइम है और उसमें जो प्रोफ्रीडिंग एक्जोनुक्लियस एक्टिविटी है जो कि थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक्सोन एक्टिविटी है डी एन ए पोलिम्लेस थर्ड के थ्रू वो सेपरेट यूनिट के थ्रू और सब यूनिट के थ्रू की जाती है और वो प्रूफ रीडिंग यहाँ पे एपसी सब यूनिट के थ्रू की जाती है जो कि डी एन ए पोलिब्लेस थर्ड सब यूनिट में प्रेजेंट होती है अगर हम यहाँ पे ट्विन्स की बात करें तो अगर वहाँ पे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं होगा ये फिडिलिटी नहीं होगी डीएनए रेप्लिकेशन की तो जो जिनोम होता है आइडेंटिकल ट्विन्स का और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का वो क्या है सेम नहीं होगा उसमें डिफरेंस हो जाएगा वो सिमिलर अपीयरेंस नहीं होगी सो द आइडेंटिटी ऑफ जिनोटाइफ ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स डिपेंड ऑन बोथ मैकेनिज्म एक तो होता है डीएनए प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म जो रेप्लिकेशन के टाइम पे होता है दूसरा होता है जो आडी जो डिफरेंट आर्मी होती है की जो डीएनए रिपेयर एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज के थ्रू जो किया जाता है तो इन दो मैकेनिज्म के थ्रू डीएनए प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है इनके थ्रू जो दो आइडेंटिकल ट्रेन से उनका जुनोम क्या होता है आइडेंटिकल होता है अब नेक्स्ट पॉइंट डेट इज प्राइमोस प्राइमोस क्या होता है इसके नाम से पता चल रहा है प्राइमेज एंड हेलीकेस हेलीकेज क्या करता है डबल स्टैंड डी एन को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करता है प्राइमरीज क्या करता है प्राइमर सिंथेसाइज करता है और जो हमारा लेगिंग स्टैंड होता है उस उसमें मल्टीपल प्राइमर की जरूरत होती है क्योंकि वो शॉर्ट स्ट्रेच में सिंथेसाइज करता है डीएनए एन रुक को रोक फ्रेगमेंट में सिंथेसाइज करता है तो जो आर प्राइमर है ये क्या करता है यहाँ पे कोविलेंटली एक्सटेंड करता है विद द एडिशन ऑफ डी एन टी पीज बाई डी एन ए पोलिब्रेस एक्सटेंड क्या कैसा करता है थ्री प्राइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है प्राइमर का उस पर हमारा डी एन टी पीज इनकमिंग डी एन टी पीज के प्राइमरी फोसफेड के साथ बोंड करके फोस्फोडाइस्टर बोन्ड फॉर्म करके ये

स थर्ड जो है वो रिमूव हो जाता है और आर प्राइमर को भी रिमूव करना पड़ता है तो वो यहां पर किया जाता है डी एन फर्स्ट के थ्रू स एक्टिविटी के थ्रू और जो ओका जाके फ्रेगमेंट यहाँ पे जो लेगिंग स्ट्रैंड है उस पर फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं लाइगेज के थ्रू और ये जो गैप है सील कर दिया जाता है और सिंगल स्टैंड निक जो है ओका जा फ्रेगमेंट जो है फिल कर दिए जाते हैं लाइगेज के थ्रू सो दिस इज और दिस मकैनिजम ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स और दिस मकेनिजम ऑफ सिंथेसिस इज क्रिएट बाय प्राइमोस दैट इज हेलीकेस एंड प्राइमर क्योंकि प्राइमर की जरूरत होती है जैसे जैसे हम डी एन ए स्टैंड को सिंथेसाइज करेंगे और हेलीकेस की जरूरत होती है ओपन अप करने के लिए और सिंगल स्टैंड की जरूरत होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए रोपासम रेस की जरूरत होती है सुपर हेलिसिटी को रिलैक्स करने के लिए लाइक इसकी जरूरत होती है यहाँ पे निक्स को बाइंड करने के लिए तो ये जो मैकेनिज्म है ये इसको हम बोलते हैं प्राइमोज नेक्स्ट चीज़ आवर पर रेप्लीसोम रेप्लीजोम क्या होता है एक कंप्लीट रेप्लीकेशन अपर्टस जो मूव करता है डीएनए मॉलिक्यूल के अलोंग एट रेप्लीकेशन फोर्क उसको क्या कहते हैं हम रेप्लीजोम कहते हैं तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो ई कोलाई रेप्लीजोम का डायग्राम है जो शो कर रहा है टू कैटालिटिक कोर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज़ ये जो यहाँ पे रेडिश कलर में कैटालिटिक कोर है रिंग शेप स्ट्रक्चर में हमारा डाइमर है जो कि बीटा सब्यूनिट है जो हमारे कैटालिटिक कोर को क्या कंसिस्ट कन्वर्ट कर रहा है होलो एंजाइम में और इस बीटा सब्यूनिट की वजह से ही हमारा जो ये कैटालिटिक पोर है कोर है डी एन का वो मूव कर रहा है लेगिंग स्ट्रैंड पे एंड लीडिंग स्ट्रैंड पे और यहाँ पे, पे प्राइमोजूम जो है जिसमें हमारा हेलिकस और प्राइमर होगा वो अनवाइंड करता जा रहा है जिसमें हमारा हेलिकेस और प्राइमर है तो यहाँ पे हाइलिकेस जो है वो वॉलेट कलर में है और ये ल्यूश कलर में प्राइमर है ये प्राइमर सिंथेसाइज करता जा रहा है और हेलिकेस अनवाइंड करता जा रहा है लैगिंग स्ट्रैंड में और लीडिंग स्ट्रैंड में और डिफरेंट सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जो स्टेबलाइज कर रहे हैं सिंगल स्ट्रैंड को और यहाँ पे नए ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो रहे हैं और उसके बाद यहां पे जो न्यू चेन है वो आर एन ए प्राइमेज के थ्रू सेंथिसाइज करी जा रही है जो एंटायर रेपली जोम है वो मूव कर रहा है अलोंग द दैरेंटल डबल हेलिक्स विद ईच कंपोनेंट परफॉर्मिंग इट्स रिस्पेक्टिव फंक्शन इन ए कंसर्न मैनर सभी अपना जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डी एन ए पोलिम्रेस थर्ड सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स बेटा को आ, कोर एनजाइम इन कोर डी एन ए पोलिम्रेस थर्ड और आर एन ए प्राइम प्राइमर डेट इज फॉर्म आई आर एन डी एन ए प्राइमेज एंड डी एन एलिकेज तो ये सब अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं न्यू डीएनए स्ट्रैंड को तो जो रेप्लीकेशन है वो प्रोसीड हो रही है लेफ्ट टू राइट में और ये जो कंप्लीट मैकेनिज्म है इसको क्या बोल रहे हैं हम रेप्लीसोम इन केस ऑफ ईको नेक्स्ट पॉइंट इज आवर रोलिंग सर्कल एप्लीकेशन जो रोलिंग सर्कल सर्कल जो एप्लीकेशन वो डिफरेंट वायरसेस के थ्रू यूज किया जाता है और बैक्टीरिया के थ्रू यूज किया जाता है टू ट्रांसफर डी एन ए फ्राम डोनर सेल टू रेसिपियंट सेल डरिंग वन टाइप ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज और यहाँ पे ये जो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म है ये रेप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है एम्फीबियंस में भी और एम्फीबियंस में ये क्या करता है एम्पलीफाई करता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को जो कैरी करता है क्लस्टर किसके राइबोसोमल आरएनए जीन के ड्यूरिंग ओ जेनेसिस के टाइम पर यह किया जाता है एम्फीबियंस के केस में एज अ नेम इम्प्लाइज हेयर रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म और रेप्लीकेशन इज ए मैकेनिज्म फॉर रेप्लीकेटिंग सर्कुलर डी एन ए मोलिक्यूल तो ये जो सर्कुलर डी एन ए मोलिक्यूल है ये इनको रेप्लिकेट करने के लिए हम रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं जो यूनिक एस्पेक्ट है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का वो है कि वन पेरेंटल जो सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या रहता है इंटैक्ट रहता है जैसे कि यहाँ पे शो कर रहे हैं हम ब्लूइश कलर में तो एक पेरेंटल जो स्ट्रैंड है वो रेप्लीकेशन के टाइम पर इंटैक्ट रहता है एंड रोल करता है थर्स द नेम रोलिंग सर्कल इसीलिए इसका नाम क्या है रोलिंग सर्कल स्पिन करता है और वाइल सर्विंग एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड जो यहाँ पे येलोइश और पिंकिश uh, कलर में जो कि हमारे यहाँ पे ऑरेंजिश कलर में जो न्यू स्ट्रैंड है काइंड ऑफ ऑरेंजिश कलर है ये तो ये जो न्यू हमारा स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है ऑरेंजिश कलर उसके लिए ये जो हमारा ब्लूश uh, कलर का जो सर्कल है सर्कुलर डी है ये टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है और ये लास्ट तक ऐसे ही इंटैक्ट रहता है इसीलिए सबसे पहले यहां पर स्पेसिफिक ओर प्रेजेंट होता है ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन फिर यहां पर सिक्वेंस स्पेसिफिक एंडोन्युक्लियस एक्ट करता है जो क्या करता है निक क्रिएट करता है एक स्टैंड में और वहां पर वहाँ से स्टार्ट होती है हमारे आ, रेप्लिकेशन प्रोसेस और उस निक के थ्रू हमारा प्रोड्यूस होता है थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फाइव प्राइम फोस्फेट टर्मिनी और जो फाइव प्राइम टर्मिनली है वो डिस्प्लेस होती है सर्कल से एज द इंटेक्ट टेम्पलेट्स ट्रेंड टर्न अबाउट इट्स एक्सिस जैसे जैसे जो टेम्पलेट्स ट्रेंड है वो टर्न करता है अपनी एक्सिस के अगेंस्ट ऐसे ही वो जो फाइव प्राइम टर्मिनल एंड है जिसपे फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वो डिस्प्लेस होती जाती है इस सर्कल से Uh, कोवल और जो कोवलेंट एक्सटेंशन है वो ओक्योर होती है थ्री प्राइम एंड पे ऑफ द क्लीव्ड स्ट्रैंड जो क्लीव किया गया है यहाँ पे एंडोन्युक्लियस एक्टिविटी के थ्रू सिंस जो सर्कुलर टेम्पलेट डीएनए है वो टर्न हो जाता है यहाँ पे किससे थ्री सिक्सटी डिग्री से वो किससे टर्न हो रहा है यहाँ पे थ्री सिक्सटी डिग्री से यहाँ पे टर्न हो रहा है विद द सिंथेसिस ऑफ वन कंप्लीट और यूनिट लेंथ डीएनए स्ट्रैंड एट ड्यूरिंग ईज़ टर्न हर एक टर्न जैसे जैसे ये टेम्पलेस स्ट्रैंड हमारा टर्न ले रहा है ऐसे ऐसे ईस्ट जो, जो स्ट्रैंड है और बाई कंप्लीट जो रोलिंग सर्कल मकैनिज उसके थ्रू ये कंप्लीट यूनिट ये जो है फॉर्म कर रहा है न्यू स्ट्रैंड की तो जो रोलिंग सर्कल रेप्लीकेशन है वो प्रोड्यूस करता है आइडल सिंगल स्टैंड और डबल स्ट्रैंड प्रोजेनी जैसे कि यहाँ पे शो किया गया कि सिंगल स्ट्रैंड प्रोजेनी क्रिएट करता है या डबल स्ट्रैंड प्रोजेनी यहाँ पे क्रिएट करता है हमारा रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म और ये जो सर्कुलर सिंगल स्टैंड प्रोजेनी है ये प्रोड्यूस की जाती है साइट स्पेसिफिक किसके थ्रू साइट स्पेसिफिक क्लीवेज के थ्रू सिंगल स्ट्रैंड टेल का ओ किस पे एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन एंड रिसकुलाइजेशन ऑफ द रिजल्टिंग यूनिट लेंथ मोलिक्यूल टू और ये जो डबल स्टैंडर्ड प्रोजेनी है ये प्रोड्यूस की जाती है बाय द सिंगल स्टैंडर्ड टेल्स दैट आर यूज्ड एस टेम्पलेट फॉर डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस ऑफ कंप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड ऑरेंजिस कलर to cleave and circum uh, circularized uh, sorry circularized the enzyme involved in rolling circular replication and the reaction catalyzed by these enzyme are basically the same as those responsible for DNA replication that is involved in theta formation in case of E. coli.